और राजा ने अपना गंगा जल स्टोर करने के लिए 1894 के अंदर में 1894 में महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड उन्होंने 1894 के अंदर में अपने गंगा वाटर स्टोर करने के लिए दो सिल्वर जार बनवाए। सिल्वर जार बनाने के लिए उस टाइम पे करेंसी चलता था सिल्वर कॉइन्स, 14,000 सिल्वर कॉइन यूज में लिया गया पर को बनाने के लिए, 14,000 चांदी के सिक्के, 14,000 चांदी के सिक्कों को सोल्जर लोगों ने गलाया, गला करके प्लेट बनाया और प्लेट को लकड़ी पे पीट पीट करके 2 ईयर के अंदर में यानी 1896 के अंदर में 1896 के अंदर में कंप्लीट किया। ये रिद्धि सिद्धि पोली है, ये मैन पैलेस में जाने के लिए एंट्री हुआ करता था। बट इससे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके अंदर में भी 4 और डोर बने हुए। जयपुर का जो रॉयल फैमिली है प्रेजेंट टाइम में 5 मेंबर रॉयल फैमिली में है, उनका रेजिडेंट यही पैलेस चंद्र महल है, इसी के अंदर में अभी जयपुर रॉयल फैमिली रहे। आप लोग आए हैं जयपुर देखने के लिए, जयपुर में आप लोगों का वेलकम। मेरा नाम परमेंद्र सिंह और अभी अपन विजिट करेंगे सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर रॉयल फैमिली का मेन रेजिडेंट है। आप लोग आमेर फोर्ट वगैरह विजिट करने के लिए जाएंगे। जयपुर के जो फाउंडर थे, आमेर के लास्ट किंग थे महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड। आमेर पहाड़ी इलाके पे बना हुआ है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना, रहने की जगह का प्रॉब्लम और वाटर प्रॉब्लम का कॉमन समस्या होने के कारण वहाँ के लास्ट किंग महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने जयपुर का फाउंडेशन रखा। जयपुर आमेर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे बसाया गया एक मैदानी इलाके में सिटी है। कौन से सन में यहाँ पर आए? तो जयपुर के जो किंग हैं 1727 के अंदर फर्स्ट टाइम जयपुर के अंदर में आए और उन्होंने एक टेंपल बनाया। टेंपल राधा कृष्ण जी का है, सिटी पैलेस के पास ही में पड़ता है, गोविंद देव जी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महाराजा ने अपने नाम से टोटल सिटी का फाउंडेशन रखा एंड 7 ब्लॉक के अंदर में 7 ब्लॉक के अंदर में सिटी का फाउंडेशन कंप्लीट किया। अभी अपन लोग सिटी का बात कर रहे हैं, सिटी जो जयपुर रॉयल फैमिली में फर्स्ट किंग महाराजा सवाई जय सिंह सेकेंड थे उन्हीं के नाम से बसा है जय एंड पुर। जय राजा का नाम, पुर सिटी के लिए यूज़ में लेते हैं जयपुर। और राजा ने फर्स्ट अपने रहने के लिए पैलेस जो सी बनाया उसका नाम महाराजा ने अपनी मैन वाइफ चंद्रावती जी के नाम से चंद्र महल रखा, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने डेवलप किया है। अभी अपन अंदर चलेंगे, मैन टिकट लेने के बाद एंट्री डोर सामने है और इसको क्रॉस करने के बाद में ओपन एरिया जहाँ रॉयल फैमिली का ओल्ड टाइम पब्लिक मीटिंग हुआ करता था। इधर ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाला ये ओल्ड टाइम पे ओपन एरिया हुआ करता था, इसके इनसाइड किंग वगैरह का सीट अरेंजमेंट हुआ करता था, जो अभी अपन अंदर चलेंगे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इधर में अभी कुछ राजा महाराजाओं ने अपने आर्टिस्ट लोगों को जगह दिया है उनके एंटरटेनमेंट के लिए, पोपट डांस वारक वगैरह वाले। इधर में कुछ शॉप्स वगैरह ओपन की हैं राजा के पुराने टाइम के, आर्टिस्ट लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जगह दिया है। अच्छा। और कुछ कैनन रखा है जो वॉर के लिए यूज़ में लिया जाता था। अच्छा। कैनन के साथ में इसको लाने ले जाने में जो बैलगाड़ी यूज़ में लिया जाता था वो बैलगाड़ी भी रखा हुआ है। जाती है क्या? हाँ, ये बैलगाड़ी है आगे वाला। अच्छा, ये वाला कैनन ले जाने के लिए। हाँ, आगे बैल लगते हैं, यहाँ से कैनन टच ये जॉइंट होता है और कैनन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। आर्टिफिशियल है ये, युद्ध में यूज में हुआ करती थी। अच्छा, ये जयपुर के अंदर जयगढ़ फोर्ट आप लोग विजिट करने के लिए जाएंगे, वहाँ कैनन फाउंड्री है, वहाँ उसके अंदर में बनाया हुआ है। अच्छा, सामने वाला गेट का नाम क्या है? ये अभी अपन अंदर चलेंगे तो यहाँ पर में अम्बा पोल नाम से एक गेट आता है, अम्बा पोल। हाँ, ये वाला अम्बा पोल गेट है, इसके दोनों तरफ टर्नल बनी हुए हैं। राजा महाराजा हर में जो हुआ करते थे सीक्रेट रास्ते के टाइप में टर्नल यूज़ में लिया करते थे, वो टर्नल्स बने हुए हैं। हाथी के लिए आराम से आते हैं? हाँ, हाथी वगैरह सभी आराम से आ सके। गेट उसी टाइम का लगा हुआ? हाँ, ये सब गेट पुराने टाइम के। कुछ इसके ऊपर में ब्रास का वर्क किया हुआ है। अच्छा, ब्रास का वर्क किया है। ओल्ड टाइम सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े दरवाजे दिए जाते थे, वो दरवाजे लगे हुए। इसके साइड के अंदर में आप लोग देखिए येलो वाला एक बिल्डिंग नज़र आएगा, ये वाला। हाँ, तो सामने बिल्डिंग बना है। जयपुर में फर्स्ट रॉयल फैमिली ने टेंपल के बाद अपने रेजिडेंट के लिए बिल्डिंग बनाया था, मून पैलेस चंद्र महल।
क्या चीज है? मून पैलेस चंद्र महल। महाराज पैलेस चंद्र महल, हाँ, महाराजा की वाइफ थी चंद्रावती जी। अच्छा। उन्हीं के नाम से बिल्डिंग का फुल भी पूरे बिल्डिंग का नाम चंद्र महल रखा है। 7 फ्लोर का इंडिया का फर्स्ट बिल्डिंग है। अच्छा। इससे फर्स्ट 7 फ्लोर का कोई बिल्डिंग इंडिया के अंदर में नहीं। कब बना था ये? 1727 के अंदर, जब जयपुर का फाउंड 1727 में, जब जयपुर का 7 मंजिले कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी इंडिया के अंदर में। ये फर्स्ट बिल्डिंग 7 फ्लोर का बना। इस जितने भी इसके अंदर में फ्लोर हैं सभी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसमें जाना अलाउड नहीं है? इसमें जाना अलाउड है, बट टिकट अलग से परचेज करना होता है। 3000 रुपये पर पर्सन चार्ज है। इसका अलग है? इसका अलग है। अच्छा, ये इसमें मून पैलेस क्यों बोलते हैं? बस एक कॉमन है, अंग्रेज लोगों ने नाम रखा है मून पैलेस। चंद्र है, अपन मून चांद को बोलते हैं, तो उन्हीं के नाम से। हाँ, इसके ऊपर में 5 कलर का जयपुर का स्टेट फ्लैग लगा हुआ है इसके ऊपर। हाँ, बिल्डिंग के ऊपर में देखिए, महाराजा मान सिंह जी अकबर के टाइम पे जो सोल्जर थे, काबुल के अंदर 5 अफगान पठानों को हरा करके उनसे 5 अलग अलग कलर के फ्लैग लेकर के आए। कौन हराए थे? महाराजा मान सिंह जी ने काबुल के अंदर, अफगान जो अफगानिस्तान है, काबुल है, कंधार है, वहाँ के अलग अलग पठानों को हरा करके 5 अलग अलग कलर के फ्लैग लेकर के आए, और इन्हीं को एक जगह मिला करके जयपुर का 5 कलर का फ्लैग बना है। अच्छा। राजा को इंडिकेट करता है, ओल्ड टाइम मोबाइल फ़ोन इंटरनेट वगैरह नहीं था, पब्लिक को राजा से मीटिंग करना है, कैसे पता चले? फ्लैग से पब्लिक को पता चलता था राजा सिटी में या आउटसाइड। अच्छा, जैसे अभी यहाँ 2 फ्लैग लगे हैं, 2 फ्लैग मीन्स जयपुर के किंग, सिटी के इनसाइड अंदर में, जैसे ही जयगढ़ में लगा हुआ है। हाँ, जैसे जयगढ़ में लगा हुआ है। जैसे ही आउटसाइड जाएंगे ऊपर छोटे वाला फ्लैग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा जयपुर के किंग आउटसाइड चले गए। इसी पैलेस का 70% पार्ट म्यूजियम में कन्वर्ट है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे मोस्टली अपने को देखने को मिलेगा। सो म्यूजियम अपन स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट, आप यहाँ पर में दीवाने खास अपन लोग देखने चलेंगे। ठीक है, दीवाने खास अपन देखने चलेंगे। दीवाने खास सभी पैलेस और फोर्ट से डिफरेंट बना हुआ है। दीवाने खास, दीवाने आम एक कॉमन एरिया है जो हर पैलेस एंड फोर्ट में मिलेगा आपको। दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग, जो राजा एंड राजा के मैन सोल्जर का मीटिंग हुआ करता था। दीवाने आम जो पब्लिक के साथ में मीटिंग हुआ करता था, वो वाला एरिया। इसी के जस्ट साइड के अंदर में अभी जयपुर रॉयल फैमिली ने एक रेस्टोरेंट भी ओपन किया हुआ है, बारादरी नाम से वो रेस्टोरेंट यहाँ पर में। प्लीज कम आ जाइए यहाँ पर में देखेंगे। दीवाने खास के अंदर में वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर जार, दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन रखे हुए। जयपुर के 9 नंबर किंग महाराजा सवाई माधव सिंह जी लाइफ में जो भी वर्क था गंगा वोटर से किया करते थे। काफ़ी धार्मिक किस्म के राजा थे, तो राजा ने अपना गंगा जल स्टोर करने के लिए 1894 के अंदर में 1894 में महाराजा सवाई माधव सिंह सेकेंड, उन्होंने 1894 के अंदर में अपने गंगा वाटर स्टोर करने के लिए 2 सिल्वर जार बनवाए। सिल्वर जार बनाने के लिए उस टाइम पे करेंसी चलता था सिल्वर कॉइन्स, 14,000 सिल्वर कॉइन यूज में लिया गया पर को बनाने के लिए, 14,000 चांदी के सिक्के, 14,000 चांदी के सिक्कों को सोल्जर लोगों ने गलाया, गला करके प्लेट बनाया, और प्लेट को लकड़ी पे पीट पीट करके 2 ईयर के अंदर में, यानी 1896 के अंदर में, 1896 के अंदर में कंप्लीट किया। पहले उनको गला कर पहले प्लेट बनवाया, प्लेट को लकड़ी पे पीट पीट करके 2 ईयर के अंदर में डिजाइन तैयार किया। जैसे अपने कॉमन बर्तन वगैरह अपन यूज में लेते हैं, किलो से बेल्डिंग से जॉइंट मिलता है, सिंगल फीस बनाए, किसी तरह का जॉइंट नहीं है। कैसे बना? पीट पीट करके डिजाइन तैयार किया हुआ है। मोस्टली जो लकड़ी का ढांचा बनाया गया उसको इसके ऊपर में प्लेट लगा करके पीट पीट करके 2 ईयर के अंदर में, दो साल में 1894 से 1896 के बीच। एंड महाराजा सवाई माधो सिंह जी ने ये 1902 के अंदर यूज में लिए, जब एडवर्ड सप्तम के राज तिलक पर महाराजा माधो सिंह सेकंड को इंग्लैंड विजिट करना था, तो यहाँ से गंगा वोटर ले जाने के लिए इनको इंग्लैंड ले करके गए 1902 में। इनके अंदर अपना गंगा जल डाल करके इंग्लैंड ले करके गए दोनों। कैसे? यहाँ से मुंबई तक बाय ट्रेन, 1902 का बात है, बाय ट्रेन मुंबई तक ले जाया गया, आगे पानी वाला सिर्फ जो राजा ने पर्सनल अपने लिए बुक किया। हाँ, ठीक है। इनका पर का वेट 345 kg, 345 किलो वजन है, और कैपेसिटी लगभग 2000 लीटर के आसपास है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक के अंदर में नाम रिकॉर्डेड है दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन के रूप में। चांदी का है।
इनको बनाया गया है जयपुर के ही जो ओल्ड टाइम 36 फैक्ट्रियां रॉयल फैमिली के लिए काम किया करती थी, वहाँ वर्कर्स काम करते थे, उन्हीं में से मिस्त्री खाना जहाँ चांदी के सिक्कों पे काम किया जाता था, बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, वहाँ पर मैं बनाया हुआ। कहाँ पर बनते थे ये मिस्त्री खाना? एक फैक्ट्री का नाम, जैसे अलग अलग, जैसे जयपुर के अंदर सभी बैक साइड के अंदर में अलग अलग जगह राजा की फैक्ट्रियाँ, 36 फैक्ट्रियाँ, जो भी रॉयल फैमिली का जो भी था, ज्वेलरी, शूज, ड्रेसेज, वेपन वगैरह सभी 36 फैक्ट्री में बनते थे, 36 कारखानों के अंदर। उन्हीं में से एक का नाम था मिस्त्री खाना, उसके अंदर मैं बना हुआ। जयपुर के अंदर है? जयपुर के अंदर आज भी है, बट आज ऐसा डेवलप नहीं है कि अपन लोग विजिट कर सके। इन्हीं में से महाराजा 36 फैक्ट्रियों में से कुछ ओपन किए, कुछ के आर्टिस्ट को पैलेस में जगह दिया है, वो अपन लोग विजिट करना चाहें कर सकते हैं। 1900 के टाइम की है? हाँ, 1902 के टाइम का है। अब इनकी जो गैलरी के अंदर ये बनी हुई है पेंटिंग, हाँ देखिए ऊपर में पेंटिंग बना हुआ है, नेचुरल जो कलर ओल्ड टाइम यूज में लिया जाता था वो कलर ओल्ड टाइम यूज में लिया गया, बट 100 ईयर पहले, 100 साल पहले ये हल्का खराब होने के कारण दोबारा किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर वो पेड़ पौधे से बनाते थे? हाँ, पेड़ पौधों से जो कलर तैयार किया करते थे, चूना पत्थर, इसमें वाइट मार्बल के पिलर लगे हुए, मकराना यहाँ पास में सिटी पड़ता है, उसके फेमस है वाइट मार्बल, ताजमहल लोग विजिट करते हैं, ताजमहल भी इसी पत्थर से बना हुआ है, मार्बल इसको बनाने के लिए यूज़ में लिया है, बाकी ऊपर में चूना पत्थर यूज़ में लिया गया है। अभी यहाँ पर मैं कुछ वेपन्स भी लगे हुए हैं, तलवारें हैं, भाले वगैरह हैं इस साइड के अंदर में। ये जो रॉयल फैमिली में ओल्ड टाइम सोल्जर लोग रॉयल फैमिली के लिए वर्क किया करते थे, वो सोल्जर लोग मोस्टली इस तरह के वेपन यूज़ में लिया करते थे, वो वेपन से यहाँ पर मैं दिखाए हुए, तलवारें, भाले, तीर, ढाल, वो सब यहाँ पर मैं लगे हुए। भाले भी जो? हाँ, ये सर से 16 से 19 सेंचुरी के अलग अलग टाइम के, इनका कंफर्म कोई टाइम नहीं है। इसी के अपोजिट साइड और दूसरी साइड के अंदर में कुछ गन्स एंड एरो लगे, गन्स जो सोल्जर लोग यूज़ में लिया करते थे, सिंगल शॉट, ऊपर से गन पाउडर डाला जाता है, पुश किया जाता है, फिर ब्लॉक करके आयरन बॉल डाला जाता है, फिर फायर किया जाता है, वो वाले गन्स हैं यहाँ पर में लगे हुए। और गन का डिज़ाइन अगर आप गौर से देखेंगे, सन का दिया हुआ है, जो सूरज होता है अपने, सूरज का डिजाइन दिया है। जयपुर का जो रॉयल फैमिली है, भगवान राम का वंशज है, राम्स के दो लड़के थे लव एंड कुश, उससे बना कछुआ वंश, तो कछुआ वंश के राजा हैं, एंड कछुआ लोगों का जो इष्ट देवता है सूर्य देवता हुआ करते थे, तो उन्हीं का लोगो यहाँ पर मैं गन से बनाया हुआ है। हाँ, ये ओल्ड टाइम वॉर के लिए जो सोल्जर लोग यूज में लिया करते थे वो गन्स हैं, साथ में एरो। हाँ, लकड़ी है, लकड़ी एंड ये वाला है, ये मेटल है। हाँ, इसी के आगे अपन चलेंगे प्रीतम चौक। प्रीतम चौक रॉयल फैमिली जो पैलेस के अंदर जाती थी उस टाइम, अपने पैलेस में एंट्री करने के लिए ओल्ड टाइम यूज में लिया करती थी। इसके जस्ट जो बाहर वाला दरवाजा है, रिद्धि सिद्धि पोली के नाम से जाना जाता है, ऊपर भगवान गणेश जी का फोटो लगा है, गणेश जी की वाइफ रिद्धि सिद्धि के नाम से दरवाजे का नाम रखा है, रिद्धि सिद्धि पोली। पोली का मतलब छोटे दरवाजे, मोस्टली राजस्थान में दरवाजों के लिए दो वर्ड यूज़ में लिए जाते हैं, पोल एंड पोली, पोली मतलब छोटा दरवाजा, पोल मतलब बड़ा दरवाजा। तो ये रिद्धि सिद्धि पोली है, ये मैन पैलेस में जाने के लिए एंट्री हुआ करता था, बट इससे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके अंदर में भी 4 और डोर बने हुए हैं, 4 डोर बने हैं, अपन अंदर से देखेंगे, अलग अलग डिजाइन एंड अलग अलग सीजन में यूज़ में लिए जाते थे। ये डिजाइन मोस्टली मुगल डिजाइन है, एंड इसके बैक साइड के अंदर जो अपन विंडोज़ वगैरह देख रहे हैं, इनके बैक साइड के अंदर लेडीज़ लोग डांस वगैरह देखने के लिए, आउटसाइड का व्यू देखने के लिए छोटी छोटी विंडो उनके लिए बनाई हुई है, जहाँ से लेडीज़ लोग आउटसाइड का मूवमेंट देख सके। राजस्थान के अंदर लेडीज़ लोगों को पब्लिक में अलाउ नहीं किया जाता था, पर्दा सिस्टम फॉलो किया जाता था, सो यहाँ छोटी छोटी विंडो है, टर्नल टाइप, ये जो ऊपर में बनी हुई दरवाजे के जस्ट ऊपर एंड साइड के अंदर में बना हुआ। बीच में पत्थर मार्बल, सेम वाइट मार्बल, मकराना का फेमस। और इस साइड में प्रेजेंट टाइम जयपुर रॉयल फैमिली का मेन एंट्री डोर है। जयपुर का जो रॉयल फैमिली है प्रेजेंट टाइम में 5 मेंबर रॉयल फैमिली में है, उनका रेजिडेंट यही पैलेस चंद्र महल है,
इसी के अंदर में अभी जयपुर रॉयल फैमिली रह रहे हैं। इसका फर्स्ट और सेकंड फ्लोर उनका रेजिडेंट, ऊपर के कुछ पार्ट ओपन किए हैं जिसमें गोल्ड रूम, ब्लू पैलेस एंड मिरर पैलेस देखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है। फाइव मेंबर के अंदर प्रेजेंट टाइम पे किंग है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी, उनकी मदर है प्रिंसेस दिया कुमारी जी एंड दिया कुमारी जी की मदर है राजमाता पद्मिनी देवी। और दिया जो अभी किंग है प्रेजेंट महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी, उनके टू ब्रदर एंड सिस्टर हैं, फर्स्ट लक्ष्य राज एंड सिस्टर गौरवी कंवर, राजकुमारी गौरवी कंवर है, वो अपने पूरे फैमिली के साथ में रकिंग है अभी यहाँ पे पैलेस के अंदर में रह रहे हैं। उनका फ़ोटो यहाँ साइड के अंदर में लगा हुआ है, फ़ोटो के अंदर जयपुर रॉयल फैमिली को देखना चाहें देख सकते हैं। ये गेट के बारे में अपन अंदर बताएंगे, फिर फोर डोर के साथ में, चार दरवाजों के साथ में। अभी यहाँ जयपुर रॉयल फैमिली का फ़ोटो लगा हुआ है, तो जयपुर रॉयल फैमिली में प्रेजेंट टाइम में फाइव मेंबर्स हैं, राजमाता पद्मिनी देवी, लेट किंग महाराजा सवाई भवानी सिंह जी की वाइफ, इन्हीं की डॉटर प्रिंसेस दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी के टू सन एंड वन डॉटर है, बिग सन जयपुर के किंग महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, स्मॉल कुंवर लक्ष्यराज एंड डॉटर गौरवी कुंवर। ये फाइव मेंबर है जो प्रेजेंट टाइम रॉयल फैमिली में जयपुर में रहते हैं। हाँ, ये जयपुर के अंदर किंग यंग है, 25 ईयर के आसपास है, इंग्लैंड के अंदर में अपना स्टडी कर रहे हैं, इंडियन पोलो टीम के लिए खेलते भी हैं, सबसे कम एज में इंडियन पोलो टीम के कैप्टन रहे हैं, ये भी स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम किस तरफ चलेंगे? अभी अपन चलेंगे पैलेस के ग्राउंड फ्लोर में, प्रीतम चौक। जैसे ही रिद्धि सिद्धि पोली के इन साइड अपन एंट्री करते हैं, अपने को एक मिरर देखने को मिलता है। मिरर नेपाल से गिफ्टेड है, चाइनीज ड्रैगन का डिजाइन बना हुआ। नेपाल से क्यों? नेपाल जब राज महाराजा सवाई राम सिंह जी विजिट करने गए वहाँ से गिफ्टेड। राम सिंह ये जो बुद्ध जो वहाँ के जो बोर्ड हैं उनका सिंबल, उनका डिजाइन दिया हुआ है। ये मोस्टली ब्रास का काम किया हुआ है, नीचे जो भी डिजाइन है मिरर कांच और नॉर्मली पत्थर से किया हुआ है। इसके साइड में महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड का फोटो लगा हुआ है, ये पेंटिंग का फोटो निकाल करके लगाया हुआ है। महाराजा लाइफ के अंदर जो गंगा वाटर यूज में लिया करते थे, गंगा जल यूज में लिया करते थे, वो वाले की इनसे पहले, हाँ ये जो जार वगैरह अपन सिल्वर जार देख करके इन्हीं के टाइम यूज में लिया। यहाँ के फर्स्ट किंग हैं जो 1902 में इंग्लैंड विजिट करने थे, 1902 में यूज़ में लिए हैं, बट 1894 के अंदर में इनको बनाया गया है। इनसे पहले किंग थे महाराजा सवाई राम सिंह सेकेंड, यहाँ के मॉडल किंग हैं। इन्होंने फैशन के लिए फर्स्ट टाइम जयपुर में चश्मा, कैमरा, घड़ी वगैरह जो भी था यूज़ में लिया, एंड डेवलपमेंट मोस्टली इन्हीं के टाइम से जयपुर में स्टार्ट हुआ है। एंड महाराजा है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जयपुर को पिंक कलर के अंदर में भी कलर करवाया, जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। इन्हीं के कारण 1876 के अंदर फर्स्ट टाइम प्रिंस अल्बर्ट के वेलकम के लिए टोटल सिटी को पिंक कलर में कलर करवाया। इनके बाद महाराजा सवाई जगत सिंह जी हैं, हाँ इनसे पहले, इनके पहले हुए हैं, ठीक है। तो ये महाराजा है, इनका एज काफ़ी कम रहा है, 30 ईयर के आसपास एज रहा है। ऐसा डेवलपमेंट जयपुर में नहीं किया, बट क्लासिकल डांस एंड कवि रहे हैं अपने टाइम के अंदर में। ये जयपुर के सेकंड नंबर किंग महाराजा सवाईश्वरी सिंह जी का पेंटिंग लगा हुआ है। महाराजा सवाईश्वरी सिंह जी ने 7 साल रूल किया है, 7 ईयर के बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया घर की प्रॉब्लम्स के कारण। 7 साल ये 1750 के अंदर सुसाइड किया था, मिस को थोड़ा सा गलत हुआ इसमें, ठीक है। और इनसे पहले यहाँ के किंग थे जयपुर के फर्स्ट किंग महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड। महाराजा जयप आप मोस्टली जयपुर विजिट करने आते हैं, जयपुर के राजाओं का नाम लिया जाता है, एक वर्ड सवाई उनके नाम के आगे यूज में लिया जाता है। तो सवा अपन बोलते हैं जैसे किसी से 25% एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा, शेर सवा शेर।
तो ये महाराजा को टाइटल मिला औरंगजेब के टाइम पे सवाई का। उसी के बाद में जयपुर के जितने भी किंग हैं अपने नाम के आगे सवाई वर्ड यूज में लेते हैं। आप इंडिया के अंदर जंतर मंतर विजिट करते हैं, 5 जंतर मंतर बने हुए, एक जयपुर में भी है, दिल्ली में है, 5 इन्हीं के टाइम पे बनाया। 17 लैंग्वेज 17 भाषा अपने टाइम पे बोलना जानते थे। ये 2 आमेर के राजा हैं, जयसिंह फर्स्ट एंड भाव सिंह, उनका भी पेंटिंग दिखाया हुआ है। इसके बाद प्रीतम चौक अपन एंट्री करते हैं, तो प्रीतम चौक में अपने को 4 डोर 4 सुंदर सुंदर दरवाजे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रीन है, सेकंड रोज डोर है, थर्ड लोटस एंड फोर्थ पीकॉक। तो चारों का डिजाइन अलग अलग दिया है। पैलेस में ओल्ड टाइम एंट्री हुआ करता था, सीजन के अकॉर्डिंग हुआ करता था। जब रॉयल फैमिली पैलेस में एंट्री क्या करती थी, एक सीजन के अकॉर्डिंग डोर ओपन होगा, उसी से एंट्री होगा। जैसे मोस्टली ऑटम के लिए ग्रीन बना हुआ है। ऑटम मतलब जो अपना पतझड़ का टाइम बता सकते हैं, एक तरह से स्प्रिंग टाइम भी बोल सकते हैं उसके लिए। सेकंड यहाँ एंट्री लेते थे राजा, हाँ राजा महाराजा, हर सीजन का अलग एंट्री। पैलेस चंद्र महल के लिए इस साइड चंद्र महल बना हुआ है, ये वाला, इसमें जाने के लिए। उसके बाद में विंटर टाइम, सर्दियों के लिए रोज का डिजाइन दरवाजे को दिया हुआ है। जब विंटर टाइम चलेगा उसी टाइम ये डोर ओपन रहेगा, बाकी सब डोर जितने भी डोर हैं वो क्लोज रहेंगे। इसी तरह समर के लिए लोटस बना हुआ है, समर टाइम के लिए, और मॉनसून रेनी टाइम के लिए यहाँ पीकॉक डोर है, रेनी टाइम बारिश के लिए। 4 डोर बने हुए पैलेस में। एंट्री के साथ में ये जो जगह है अपन जो देख रहे हैं, इसको प्रीतम चौक एंड डांसिंग कोठार भी बोलते हैं। लेडीज लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता था, ऑल टाइम लेडीज लोग पब्लिक में अलाउ नहीं की जाती थी, सो लेडीज लोगों के लिए यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए डांसिंग प्रोग्राम वगैरह अरेंज करवाए जाते थे। ऊपर चारों तरफ विंडो बना हुआ है, इन विंडो के बैक साइड से लेडीज लोग डांस वगैरह देखा करती थी। डांस कौन करते थे? डांस करने के लिए अलग से जो डांसर ओल्ड टाइम पे हुआ करते थे वो डांस किया करते थे। साथ में रानियां जो भी लेडीज रहेंगी रॉयल फैमिली के अंदर में, वो सब इनके बैक साइड से देखें। बैक साइड में यहाँ पर्दे अपन दोनों तरफ में देख सकते हैं। इनके बैक साइड रॉयल फैमिली में जो किंग रहेंगे, किंग के सोल्जर लोग रहेंगे, उनका सीट अरेंजमेंट रहेगा, उनको डांस वगैरह देखना है बैक साइड से देख सकते हैं। अभी क्या अवेलेबल है इनके अंदर? अभी इधर इस साइड में पैलेस बना हुआ है, बैक साइड इधर में जो ग्रीन डोर है इसके बैक साइड के अंदर में टेम्पल है, शिव जी जो भगवान आते हैं शिवा, उनका टेम्पल बना हुआ है। तो ये ग्रीन डोर है, हरा दरवाजा। इसके ऊपर में जो मेन डोर अपन देख रहे हैं लकड़ी से बना है, ऊपर में ब्रास का काम किया हुआ है। इतना गोल्डन चमक क्यों रहा है? ब्रास है, ब्रास का हल्का सफाई करते हैं तो हल्का साइन करता है, चमकता है। लकड़ी के ऊपर ब्रास का वर्क है जिससे लकड़ी जो अंदर रहे वो कभी खराब नहीं हो, इसके लिए ब्रास का वर्क किया हुआ है, ठीक है। हाँ, ऊपर गणेश जी का पेंटिंग फोटो एक प्रतिमा बना करके लगाया हुआ है। इसमें मसाल जलती थी क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ इतनी ऊपर मसाल नहीं जलाई जाती थी, मसाल नीचे जला करते। फिर ये पॉइंट दे रखे हैं वो किसके लिए? ये पर्दे के लिए, पर्दा वगैरह जो ओल्ड टाइम लगेगा। पर्दों के लिए तो फिर हुक्स थे ना नीचे? नहीं नहीं, पर्दे यहाँ किंग लोग लेडीज लोगों के लिए, ऊपर देखिए छोटे छोटे हुक हैं उनको एडजस्ट करने के लिए। जहाँ पे कबूतर बैठे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कौन से वाला जो छेद बने हुए जो कबूतर बैठे, हाँ ये वाला है जो नीचे ये गोल गोल टाइप में निकले हुए हैं, हाँ ये मसालों के लिए हुआ करते थे। अच्छा। ये वाले मसालों के लिए, ओल्ड टाइम लाइट वगैरह नहीं थी, इनके अंदर में दीपक मसाले वगैरह जलाए जाते थे जिससे रोशनी हो सके। अभी अपन प्रीतम चौक देख कर के आए हैं, प्रीतम चौक के बाद में अपन आउटसाइड मुबारक महल देखने के लिए चलेंगे। तो अपने को एक दरवाज़ा मिलेगा, दरवाजे का नाम राजेंद्रपुर, महाराजा की जो आर्मी हुआ करती थी राजेंद्र हजारी गार्ड नाम से, उनके नाम से राजेंद्र पुल इस दरवाजे का नाम रखा हुआ है। इसमें 2 दरवाजे दिए हुए हैं, फर्स्ट लकड़ी एंड सेकंड ब्रास से बना हुआ है। लकड़ी का दरवाज़ा इधर साइड के अंदर में देख सकते हैं और ब्रास का दरवाज़ा आगे की तरफ में रखा हुआ है।
साथ में टू फ्लोर्स यहाँ पर मैं अपने को देखने को मिलेगा ग्राउंड साइड एंड एक ऊपर में। ये किसके लिए बनाया? तो मैन जो रॉयल फैमिली में राजा लोग जब एंट्री करें तो उनके वेलकम के लिए जो गेस्ट वगैरह हैं उनके वेलकम के लिए नीचे ड्रम्स वगैरह बजाने वाले, ऊपर की तरफ लेडीज लोग हुआ करती थी जो ओल्ड टाइम दासियाँ वगैरह हुआ करती थी, वो फूलों का बारिश करती थी, उनके लिए बनाया हुआ। और ये ब्रास का वर्क किया हुआ दरवाज़ा है। इस दरवाजे के जस्ट बाहर अपन निकलेंगे, वाइट मार्बल से वर्क किया है एंड वाइट मार्बल के 1931 के अंदर महाराजा सवाई भवानी सिंह जी के जन्म के ऊपर में 1931 में दो मार्बल से बने हुए हाथी लगाए गए थे जो सिंगल फीस मार्बल से एक ही बड़े पत्थर के टुकड़े से बने हुए, दोनों तरफ में अपन देख सकते हैं। अरे ब्लॉगर बन रहे हैं। हाँ, 1931 महाराजा भवानी सिंह जी के जन्म के ऊपर में। इधर में भी एक और है देखने के लिए, सेम दोनों में सेम डिजाइन है। इसके अंदर में गोल्ड का वर्क ये वाला, ये 24 कैरेट गोल्ड से वर्क किया हुआ अंदर के अंदर डिजाइन जो अपन देख रहे हैं। ग्रीन कलर वेजिटेबल कलर है। जयपुर आप लोग विजिट करने आए, जयपुर के कुछ आर्टिकल वर्ल्ड फेमस है, उन आर्टिकल के ऊपर में इसी कलर का आज वर्क किया जाता है। जयपुर का कलर फेमस होता है अपने लंबे टाइम तक चलने के लिए। कलर है जितना वॉश करेंगे जितना ओल्ड होगा साइन करेगा। ओल्ड टाइम पत्थर वगैरह पे वर्क हुआ करता था, आज कपड़ों पे भी इसका वर्क देखने को मिलता है जयपुर के अंदर। अभी चलता है एक वर्क। हाँ, ये वर्क चलता है मोस्टली हर जगह अपने को। जैसे जयपुर के जो ओरिजिनल आर्टिकल अपन देखते हैं, जयपुरी क्विल्ट साड़ीज एंड ये मोस्टली अगर ओरिजिनल देखना चाहें जयपुर रॉयल फैमिली के आर्टिस्ट लोग जो वर्क करते हैं वहाँ पर मैं अपने को देखने को मिल सकता है। साइड के अंदर PDKF स्टोर महारानी जो प्रिंसेस दिया कुमारी जी हैं उन्हीं के नाम से उन्होंने अब कुछ जो ओल्ड लेडीज हुआ करती थी जो काफ़ी बोल सकते हैं अपन गरीब हुआ करती थी उनको वर्क करने के लिए जगह दिया है, वो वर्क करते हैं, उनके आर्टिकल रखें ओरिजिनल बनाए जाते हैं। साइड में PDKF एंड कुछ स्टोर्स हैं जैसे फ्रेंड्स ऑफ म्यूजियम एंड आउटसाइड शॉप्स हैं, यहाँ अपने को ये सब चीज़ों का वर्क अपने को देखने को मिल सकता है। इसमें फेमस है जयपुरी रजाई, पश्मीना सोल एंड महारानी साड़ी, वो सब अपने को यहाँ पर में ओरिजिनल देखने को मिल सकता है। मुबारक महल, मैंने पहले भी आपको बताया वेलकम पैलेस, राजा लोगों के जो गेस्ट वगैरह आते थे उनके वेलकम के लिए 1902 से 1959 तक जब तक ये म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं हुआ तब तक यूज़ में लिया गया है। बिल्डिंग ताजमहल के बाद सेकंड ऐसा है जो चारों तरफ से एक डिजाइन में बना हुआ है। अब बैक फ्रंट साइड देखेंगे सब डिजाइन एक जैसा बना हुआ है। प्रेजेंट टाइम इसको टेक्सटाइल के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है, जो जयपुर के फेमस आर्टिकल थे रॉयल फैमिली ओल्ड टाइम ड्रेसेज वगैरह यूज़ में लिया करती थी, मोस्टली गोल्ड सिल्वर का उन पर वर्क किया जाता था। वो आर्टिकल ओरिजिनल किस तरह के थे अंदर में रखे हुए हैं अंदर अपन लोग देख सकते हैं। ये कैसा डिज़ाइन बनाया? कौन से वाला है? ये वाइट मार्बल है, मोस्टली हाथ से वर्क करके निकासी किया हुआ है, हाथ से डिजाइन बनाया हुआ है। इसके अभी मुबारक महल के अंदर अपन चलेंगे तो अपने को कुछ फेमस आर्टिकल जैसे जयपुरी क्विल्ट ओरिजिनल किस तरह का था, महाराजा का सीट अरेंजमेंट एंड महाराजा माधव सिंह फर्स्ट उनका एक गाउन लगा हुआ है। महाराजा 250 केजी के हुआ करते थे, 250 किलो महाराजा का वजन था, उनका ओरिजिनल गाउन देखने को महाराजा माधव सिंह फर्स्ट। अच्छा, जयपुर के पश्मीना सोल लेह लद्दाख कश्मीर से पश्मीना वर्क करने के बाद परचेज करने के बाद जो वर्क किया जाता है वो फेमस है जयपुर, वो देखने को अंदर मिलेगा। ये विंडो बाद में बनाए गए पहले? नहीं, ये सब टोटल जो भी वर्क है पहले का है। अच्छा, ये कौन से पत्थर से है? ये आउटसाइड का पार्ट है, जयपुर का लोकल पत्थर है जयपुर का। तो यहाँ पर्दा सिस्टम था पहले? हाँ, मोस्टली पर्दा लेडीज लोग आते हैं तो हर जगह पर्दा वगैरह लगाने के लिए रस्सी वगैरह लगाने के लिए बनाया था। वैसे ये मोस्टली जो गेस्ट आए रॉयल फैमिली में सभी तरह के गेस्ट जो आए उनका फर्स्ट वेलकम यहाँ किया जा सके। अच्छा, ठीक है। अंदर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं रहेगा, आउटसाइड ही कर सकते हैं। क्या तो अभी अपन चलेंगे वेपन्स गैलरी। वेपन्स गैलरी ओल्ड टाइम लेडीज लोगों का रहने का जगह हुआ करता था,
वेपन गैलरी डायरेक्ट पैलेस से कनेक्टेड है। सामने डोर देख रहे हैं, डोर के सामने गैलरी बना हुआ है, गैलरी के जस्ट सामने एक क्लोज डोर नजर आएगा, उसके बैक साइड मैन पैलेस चंद्र महल बना हुआ है। ये क्या है? इसमें कुछ पेंटिंग्स लगे हुए हैं, मिनिएचर जयपुर का फेमस पेंटिंग होता है। आप जितना करीब से देखेंगे क्लियर नज़र आएगा आपको, दूर से देखने पे कॉमन नज़र आता है। ये बहादुर शाह एंड मराठाओं के बीच में वॉर हुआ करता था, ये जयपुर आर्टिस्ट लोगों का आर्ट है जो ओल्ड टाइम राजा के लिए 18th century में किया हुआ। हाँ, बैक साइड एक और पेंटिंग, महाभारत सुना होगा आप सबने, तो महाभारत राइट करने पे पेंटिंग बना है। पेंटिंग सेम अपनी क्लियरिटी के लिए फेमस है। ट्री वगैरह पे छोटे से छोटा बर्ड, छोटे से छोटे जो लोग इस पेंटिंग में बने एकदम क्लियर बने हुए। और अभी अपन चलेंगे वेपन्स गैलरी। वेपन्स गैलरी को बोला जाता है सिलाई खाना। वेपन गैलरी को बोला जाता है सिलाई खाना। ऊपर देखिए नाइफ से लिखा हुआ है सिलाई एंड खाना। सिलाई मतलब अस्त्र शस्त्र, खाना मतलब स्टोर करने का जगह। इसी के जस्ट सामने एक पेंटिंग लगा है ये वाला, ये महाभारत का वॉर किस तरह से हुआ था वो दिखाया हुआ है। कौरवों ने चक्रव्यूह, पांडवों ने मकरव्यूह बनाया, उसके ऊपर में पेंटिंग बना हुआ है कि वॉर किस तरह से हुआ होगा, काल्पनिक पेंटिंग है। अभी अंदर चलेंगे अपन लोग, अंदर सेम फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं रहेगा। यहाँ टोटल वेपन स्टोर किए हुए हैं 16th से 19th century के बीच के, जो रॉयल फैमिली ने वेपन यूज़ में लिए वो वेपन्स। अभी अपन लोगों ने सिटी पैलेस विजिट किया है। गैलरीज के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, सो वीडियो अपन लोग नहीं बना पाए। बाकी अपना म्यूजियम जो है कंप्लीट हो गया है, और म्यूजियम कंप्लीट होने के साथ में अभी अपन यहाँ का एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।